मैं भी सुनकर हैरान रह गया, बैंकॉक की याद दिला दी। आई लव गोवा, आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। मसाज पार्लर भी मिलने वाले हैं। फिर भी लुटने आ गए हो। कुछ स्कैम होते हैं। तो भाई गोवा की सड़कों पे बाहर निकल आए हैं और चहल पहल नजर आने लग गई है। और आज की डेट में सबसे सस्ती ऑल ओवर इंडिया में वाइन विस्की सिर्फ गोवा के अंदर मिलती है। और आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट में, मैं भी सुनकर हैरान रह गया, 5 लीटर तक बहुत होता है भैया, 5 लीटर तक साथ में विस्की वगैरह ले जा सकते हो। घर में 5 लोग हो तो 25 लीटर यार स्मगलिंग हो जाएगी। मतलब सर बता दो, मैं सुन के वाकई में हैरान रह गया। सो गाइस, लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, खाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम रुक गए हैं, कुछ खाते हैं फिर करते हैं बात। गोवा का लोकल थाली हमने मंगाई है, मजेदार, और देख के दिल खुश हो गया। ये चिकन थाली है और ये फिश थाली है। सो गाइस, हम निकल चुके अपनी स्कूटी पे, अब आपको दिखा के लाते हैं यहाँ की नाइट लाइफ। तो ये आपकी कैलंगुट स्ट्रीट है जो आगे तक जा रही है पूरी। इस वक्त देखो माहौल क्या ही अलग है, लाइटिंग पूरा जबरदस्त माहौल है क्रिसमस का। तो भैया हमने लगा लिया चंदन भैया का माइक रोड का, बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ से वागा स्ट्रीट तक का मौसम क्या माहौल है। हैं रशियन चल भाई, चलो। देखो चारों तरफ जो रौनक मेला है, ये देख रहे हो, ओह माय गॉड क्या ही माहौल है। आगे देखता रहे तू तो बस। इस तरह से आपको जगह जगह क्लब मिल जाएंगे, ये देख रहे हो, वाइन शॉप वगैरह, तो आपको जगह जगह दुनिया भर की शॉप मिल जाएगी। और मेन कलंगुट चर्च ये वाला आपका, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलरफुल लाइटिंग, एक अलग ही फीलिंग है, बहुत ही मजेदार खाने पीने के रेस्टोरेंट। बहुत टाइम बाद ये चीजें देख रहा हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, डिफरेंट ही नजर आ रहा है। तो ये चौक है और यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ पे क्लब्स वगैरह तो है ही है, फैमिलीज वगैरह के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है, चाट वाट गोलगप्पे पल्पे सब कुछ, आपको खाने पीने का छोटा मोटा सामान सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि फुल ऑन लाइटिंग वाइटिंग जो माहौल है ना, मुझे एक टाइम पुराना है बैंकॉक की याद दिला दी है, और बहुत मुझे रशियन की याद है। हेलो, तो हम बहुत जल्द वहाँ भी जाने वाले हैं। थैंक यू, हैप्पी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। नहीं भाई थैंक यू। तो यहाँ टैटू की शॉप्स बहुत सारी मिलेंगी, लास्ट टाइम मैंने ये टैटू ना यहीं से बनवाया था, अच्छे प्राइस पे बन गया था। फिलहाल आपको बीच की तरफ लेके चल रहे हैं। इस वक्त बहुत शोर में इस वक्त पहुंच चुके हैं हम कैलंगुट बीच पे। जो माहौल आप देख रहे हो एक अलग ही फील दे रहा है, सच बता रहा हूँ यार, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा माहौल देखा। और ये जो अरेंजमेंट हो रखा है ना, मतलब याद दिला रहा है, या तो फैमिली हो भैया, हम तो फैमिली वाले हैं, या आपके साथ उनके ये आपकी गर्लफ्रेंड, तो इस माहौल को अलग ही इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। तो भैया हम हैं इस वक्त कैलंगुट बीच पर, जैसे कि आपको बताया है, इस तरह का माहौल आपको सारी जगह मिल जाएगा। आई लव गोवा, जी हाँ बिल्कुल, गोवा की इस वक्त जो फीलिंग आ रही है ना, वो बिल्कुल थाईलैंड पटाया वाली आ रही है भाई। जो माहौल है आप देख रहे हो अलग ही लेवल का है यार। आप इस तरह से अपने साथ कोई है तो आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो, और जगह जगह इस तरह से म्यूजिक है जिसके चक्कर में हमारा कॉपीराइट जरूर आ जाएगा। इस वक्त आना जरूर महंगा है, पर माहौल एक अलग लेवल का है, जगह जगह डीजे, मस्ती फुल ऑन। आई लव ज्यादा रौनक मेला अलग ही लेवल का है। ये कैलंगुट है, थोड़ी सी दूर में भी आगे भागा है, और वहां भी आपको लेके जाने वाला हूं, वहां की नाइट लाइफ भी दिखाने वाला हूं क्या रहती है। जगह जगह पार्टी, और आप पूरा एंजॉय, दिस इज मतलब बहुत टाइम बाद ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं कोई अलग ही दुनिया में हूँ। आई लव गोवा, पर क्रिसमस वगैरह अलग ही लेवल का है, आपकी जेब पे जो चोट डालेगा पर आपको सारी जिंदगी याद रहेगा, पैसे की तरफ से भी और मस्ती की तरफ से भी। और अब हम चल रहे हैं बागा की तरफ, आपको बागा की टीटो स्ट्रीट दिखाते हैं, जो गोवा की सबसे फेमस स्ट्रीट है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो फैमिली साथ इंजॉय करने का भी है, और अगर आप कपल के साथ आ रहे हो तो भी इंजॉय करने का है, और अगर आप सोलो आ रहे हो तो और भी आ जाए, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल वही। बहुत ही चैलफुल वाला माहौल है यहाँ पे, छोटे छोटे क्लब्स मिल जाएंगे, पब मिल जाएंगे, बार्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप पार्टी
लवर हो तो डेफिनेटली आपको इसी साइड ही स्टे करना चाहिए, मेरा मानना ही है, पर आप देख लेना आपके बजट में प्रॉपर्टी मिल जाए। तो यहाँ से आपकी टीटो स्ट्रीट स्टार्ट होती है, तो हम कहीं स्कूटी लगाएंगे कहीं आसपास और उसका चलते हैं पैदल। अलग ही लेवल की स्ट्रीट है, मज़ा आने वाला है, आपको दिखाते हैं पूरी स्ट्रीट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लब, सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा चहल पहल इसी स्ट्रीट पर मिलने वाली है आपको। इस तरह का माहौल क्रिसमस के टाइम पे तो और भी ज़्यादा चहल पहल। किधर लगाया? देखो ये कहाँ लगा गया है, नो पार्किंग। खाने पीने की मार्केट, दुकानें, शॉपिंग, क्लब, सब कुछ मिलने वाला आपको यहाँ पे, मसाज पार्लर भी मिलने वाले हैं। माहौल एक नेक्स्ट लेवल का है, ये मुझे बैंकॉक की स्ट्रीट की याद दिला रही है, और वो बात अलग है वहाँ पे सिर्फ फॉरनर्स होते हैं। ये देखो क्लब्स, आज है 25 दिसंबर और आज का माहौल कुछ इस तरह का है। दो चार पटा लूंगा आज। चंदर भैया की बड़ी तमन्ना है कि रशियन गर्ल मिल जाए, मतलब शादी के लिए। सीक्रेट रूम में होता क्या है ये तो बताओ। सीक्रेट रूम में वही क्लब है, सही में क्लब ही है। सीक्रेट रूम में कुछ सीक्रेट काम होता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्लब्स हैं और कवर चार्ज ही मिलने वाला है, मतलब ये नहीं कि आप पैसे लोगे आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। बहुत सारे क्लब्स मिलने वाले हैं यहाँ पे और बहुत सारा क्राउड मिलने वाला है। प्राइवेट बैठने के लिए, इंजॉय करने के लिए अच्छा हिसाब लगा है। और ये वाइस जॉब की लाइन है। ओहो, आई लव टिटोस। एंट्री आ गया सर, एंट्री आ गया और लेडीज बन जा। ओके, ओनली लेडीज। बहुत ही क्राउड है, मजा आ रहा है, यहाँ का माहौल है। बस हाथ में दूसरे का हाथ हो, गर्लफ्रेंड है तो ले जाओ, नहीं तो दोस्त के साथ आओ। जरूरत ही पियो, दारू वारू खूब पियो, कोई रोक रोक नहीं है, कोई रोक नहीं, गलत काम नहीं करने का। हाँ, ये जरूरी है। सो गाइस, ये है आपकी टिटोस की मैम्बोस क्लब। यहाँ पे आपको एक ही चीज है, लड़की बन के आओगे फ्री एंट्री है, लड़के हो तो आपका कुछ नहीं होगा, पैसा देना पड़ेगा भाई। ये किस्मत खराब है लड़कों की, हम क्लब में नहीं जा सकते। पर यहाँ का क्राउड देख लो, लेवल देख लो, अलग ही है। फुल ऑन माहौल, फुल ऑन जबरदस्त मार्केट भाई, अलग लेवल है। और फ्री के डांस करना है तो आगे बीच है, वहाँ जा सकते हो, जो कि अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे फ्री का डांस करने, लड़कों के लिए वही बना है। ये बात टिटोस, ये मैम्बो टिटो वालों का ही है। पहले ये पूरा आगे था टिटोस था, अब ये अलग कर दिया इन्होंने। अभी तक आपने लड़कियों का फ्री वाला क्लब देखा, अब लड़कों का फ्री वाला क्लब दिखाते हैं और लेके चलते हैं। इस तरह के क्लब आपको पूरे बीच पे जगह जगह मिल जाएंगे। फुल ऑन मस्ती करो, फुल ऑन एंजॉय करो, पर किसी को तंग मत करो, बस इस चीज का ध्यान रखना। ये देखा जो तुझे याद, दिल में बजी गिटार। फ्री वाला डिस्को, फ्री वाले की बात नहीं है, मजा सब में आएगा जहाँ भी आप जाते हो अभी के समय। भाई बिना पैसों का मजा लिया हमने। हाँ, सब जगह क्राउड है, कहीं भी जाकर डांस करो, बाकी एक नंबर मजा आ जाएगा आपको। कोई रोक टोक नहीं है, फुल ऑन मस्ती, कोई मतलब ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होता कि भैया कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंजॉय कर रहे हैं सब। ये पूरा बागा है। Oh, 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 oh
अभी भी पूरा क्राउड है। कल हम 2 बजे रात को आए थे, पूरा क्राउड था। मेरे हिसाब से ये रात भर चलता है। खराब चीज़ों के लिए ही गोवा फेमस है, पार्टी के लिए फेमस है, एंजॉय करने के लिए फेमस है गोवा। टिटोज़ है, टिटोज़, ये टिटोज़ है जो बहुत ही फेमस है, इसी के नाम से मशहूर है पूरी ये टिटो स्ट्रीट। मतलब सबसे ज़्यादा क्राउड आपको बागा में, नॉर्थ गोवा में यही मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा माहौल एक नंबर है, पर एक ही बदनसीबी है वहाँ कि लड़कों की एंट्री चार्जेबल है और भैया लड़कियों की फ्री है। पर हमने भी अपने लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया है, फ्री में डांस कराए हैं, हमने फुल मस्ती कर ली है। मतलब किसी आदमी को अंदर घुसना, लड़की बन के घुसना पड़ेगा। इधर आओ मेरे भाई, आप कहाँ से हो? बैंगलोर। बैंगलोर से आए हो, क्रिसमस मनाने आए हो। तो कैसा रहा अभी तक का? अभी तक का अच्छा चल रहा है। कितने का कुंडा हो चुका जेब में? 3000। 6000 एक नाइट का? एक नाइट का 6000। भैया गोवा में इस वक्त लूट मची हुई है, दबा के लूट मची हुई है ना, फिर भी लुटने आ गए हो? राजस्थानी। राजस्थानी है, पर कश्मीरी लग रहे हो, कश्मीरी। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, फुल ऑन एंजॉय हो रहा है। कल हम रात को 2 बजे तक यहीं थे। माया माया आई लव माया, माया बहुत बढ़िया चीज होती है, हाथ में होनी चाहिए माया। यहाँ का माहौल नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल, मजेदार। देखो जितना हम दिखा सकते हैं स्ट्रीट का मजा हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना और कैमरा मैन चंदन के लिए भी लाइक मार देना। यो जतिन भैया वाइट गोवा इंसान में सोने। सो गाइस ये हाल है इस वक्त गोवा का, क्रिसमस के टाइम पे जाम पे जाम लग रहे हैं। और सच बताऊं तो यहाँ की नाइट लाइफ एक नंबर इस वक्त हो चुकी है। अगर आप आना चाह रहे हो, यंगस्टर हो, तो आपको यहाँ सारा सामान मिल जाएगा और कुछ चीज़ों का खास ध्यान भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, पर चीज़ें सारी मिलती हैं, सारी नाइट लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे विलास क्लब्स, मतलब एवरीथिंग, समझ रहे हो मेरी बात? एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। कोशिश करना कि कोई लोकल आपके साथ है, कोई गाइड करने वाला, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज कुछ स्कैम होते हैं, उनसे बच जाइएगा, बाकी सब बढ़िया है। तो यार देखो भूख लग गई थी तो जाते जाते कुछ खा के जा रहे हैं, तो खाने के लिए भैया हम रुक गए हैं। भाई ये मामला ज्यादा सेट ये ज्यादा स्कूटी लाए होंगे ना उनकी, तो भैया मौज हो गई। मतलब मौज क्या हो गई, बेचारा पूरा वसूल कर लेंगे इनसे एक बारी में ढंग से। भाई बहुत तगड़ा उछाला है इन्होंने, अभी भी सेट है पूरे, अभी फिर उछलेगी और हमारे ऊपर आने वाली है। यहाँ से हटा बह जाओ, ये उछाल के हमारे ऊपर ना कर दें। To my party.